मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाना आया हूँ। जो ओंकार रैली पार्ट टू बाड़मेर के अंदर 7 जनवरी को होने जा रही है, इसमें हमारे मुख्य मुद्दे हैं कि बाड़मेर जिले का भी विकास हो, राजस्थान के जवान और किसान को उसका कोर अधिकार मिले। हमारा 82,000 करोड़ का जो कर्जा है किसानों का, जिस तरह दिल्ली सरकारों ने पिछले 17 साल में धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया, उसी तर्ज में राजस्थान के किसान का पूरा कर्जा 82,000 करोड़ का राजस्थान की सरकार माफ करे। इस बात की दूसरी हुंकार अंबाड़मेर से भरेंगे। पहली हुंकार नागौर के अंदर 7 दिसंबर 2016 को भरी थी, उसमें पूरे राजस्थान से आपके बाड़मेर से भी खूब लोग आए थे, 5 लाख से ज्यादा जवान किसान जुटे थे। तब ये कर्ज माफी का आंदोलन पूरे देश के अंदर फैला और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने सीने पे गोलियां खा के इस आंदोलन को आवाज दी। उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन फैला, लेकिन वहां की सरकारों ने कर्जा माफ किया बहुत कम तादाद के अंदर। किसी का तो 150 रुपए माफ हुआ और किसी का 2,000 और किसी का 1,500। हमें उस फॉर्मूले से कर्जा माफ नहीं करना। हम राजस्थान की सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पूरा कर्जा माफ करे और पूरा कर्जा 82,000 करोड़ का कर्जा, वो बैंकों का सारा ऋण माफ करे। दूसरी हम उनकार भर रहे हैं, बिजली उत्पादन के अंदर 1 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। आप अकेले बाड़मेर जैसलमेर से सोलर और विंड एनर्जी की भारी तादाद के अंदर बिजली का उत्पादन हो रहा है और आने वाले समय के अंदर हम 1 नंबर पे आ जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ के किसानों को मजबूत करने के लिए, जिनका सदियों से शोषण होता आया है, ये इलाके वो इलाके हैं जहाँ अंग्रेजों के राज के बाद राजाओं का राज, अकाल का साया और सीमावर्ती इलाके हैं। ये सारे देश की सीमा की रक्षा करने वाले वो गांव है, दर सीमा और हमें कोई ज्यादा अंतर नहीं। हर समय डर के साये के अंदर लोग नींद लेते हैं और आधी बार तो जब युद्ध की बात हो जाती है, फौजों की हलचल बढ़ जाती है, तो लोगों की नींद उड़ भी जाती है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। तो सबसे पहले बाड़मेर जैसलमेर के लोग सीमा के प्रहरी के रूप में हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं और हमारे किसान के बेटे सीमा के ऊपर रक्षा करते हैं। तो हमारी मांग रहेगी कि बिजली, फ्री बिजली किसान को मिले और आधी दरें इसकी जो घरेलू बिजली इसकी आधी दरें करें। तीसरी हमारी मांग है, या खेती लाभकारी नहीं है, 100 रुपए खर्च करोगे 57 रुपए ही मिलेंगे, वहां पे 43 रुपए का घाटा है। अमेरिका जापान के अंदर 100 रुपए खर्च करोगे तो 190 रुपए और 200 रुपए तक जाते हैं पैसे, मतलब डबल खेती से फायदा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दिल्ली की सरकार और राजस्थान की सरकार लागू करे ताकि किसान की खेती को लाभकारी बनाया जा सके। चौथी हुंकार, हमारे छोटे भाइयों को रोजगार मिले, 4 लाख खाली पद भरे जाए और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिले जब तक नौकरी नहीं होती। आज हालात ये हो गए कि बेरोजगार से तंग आके जवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, या जवान हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। उसको रोजगार की गारंटी सरकार दे नहीं सकती, रोजगार की व्यवस्था सरकार कर नहीं सकती, शिक्षा की कोई गारंटी नहीं। शिक्षा अधिनियम विधेयक जरूर लेके आते हैं, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए, लेकिन साधन नहीं, संसाधन नहीं। और सब जगह प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहां भी ये दादागिरी प्राइवेट सेक्टर के लोगों में चलती है, सरकारी नियंत्रण खत्म हो गया, सरकारी तंत्र खोखला हो रहा है। हमें इस नए राजस्थान का निर्माण करना है। सड़क आपकी अच्छी बन रही है, ये अभी ठीक हो रही सड़क पुरानी, लेकिन टोल नाका लगेगा इसके ऊपर, तब मजा नहीं आएगा, टोल देना पड़ेगा। अभी जो चिंतित हो रहे हो आप, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सड़क से टोल नाके हटे और वसुंधरा जी हम टोल नाकों को उठा के और अपने ससुराल धौलपुर ले जाओ, या टोल नाके की आवश्यकता। और पांचवी हमारी मांग रहेगी कि बाड़मेर के अंदर तेल का रेवेन्यू जो राजस्व 3% बाड़मेर जिले को मिलना चाहिए, 9 साल के अंदर अरबों खरबों रुपए का राजस्व है, वो अरबों खरबों रुपए अगर मिल जाएंगे तो हमारे प्रत्येक गांव के अंदर टूटी सड़क ठीक हो जाएगी, नई जुड़ जाएगी और स्कूल खुल जाएंगे, अस्पताल खुल जाएंगे, कॉलेज खुल जाएंगे। हमारा तेल का राजस्व जो है रॉयल्टी हम सूत समेत राजस्थान की और दिल्ली की सरकार से लेंगे। इस बात की लड़ाई 7 जनवरी को लड़ेंगे। और एक नर्मदा नहर का पानी प्रत्येक खेत तक पहुंचे। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, पंजाब में पहले थी, अब थोड़े दिनों पहले गई है बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी, हरियाणा में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, ले तो हरियाणा पानी का हिस्सा दे रहा है, ना पंजाब के अंदर हमारी सरकार पैर भी कर पा रही, हिस्सा नहीं मिल रहा है। और रोज आंदोलन होते हैं, मोहनगढ़ जो आपका नजदीक इलाका, यहाँ के किसान आंदोलन लेकर आखिरी चरण पे जो लास्ट टेल पे बैठे व्यक्ति है
उनके खेत तक पानी नहीं पहुंचता। तो इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। मैं कोशिश करूंगा और लड़ाई लड़ूंगा इसके लिए कि नर्मदा नहर का पानी जो गुजरात से आता है वो बाड़मेर के प्रत्येक खेत तक पहुंचे। सरकार इसकी योजना बनाए और इसके लिए बजट आवंटित करे। मैं बाड़मेर पर ईश्वर की कृपा होगी कि तेल निकल गया। बहुत संघर्ष आप लोगों ने किया, हमें पता है आप और हम एक है। कुछ लोग बाड़मेर से नागौर की तरफ चले गए होंगे, कुछ नागौर से बाड़मेर की तरफ आ गए। अपना पुराना तो एक ही है ना सिस्टम सबका, मारवाड़ का, मारवाड़ है अपना। तो मारवाड़ के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के अंदर संघर्ष किया है। सरकार के अंदर बैठे हमारे नुमाइंदों ने हमारी शुद्ध नहीं ली, इसलिए हमारे हालात बद से बदतर हो गए। आज शुद्ध पीने का मीठा पानी भी हमारे पास नहीं आ रहा है। और थाने तहसील में जाते हैं तो आपको मान सम्मान नहीं मिलता। थानेदार दादागिरी करता है, कहता भाग जा, जो डंडे मारूंगा नहीं तो एक से कौन बंद कर दूंगा। ये कैसी व्यवस्था? और व्यवस्था को बदलना होगा। ये अंग्रेजों के जमाने का जो पुलिस एक्ट है इसमें बदलाव करेंगे। थाने में जाओ, तहसील में जाओ तो थानेदार बोले आओ बाबा चाय पियोगे ठंडा पियोगे तब मजा आएगा कि नहीं आएगा। अब यह हालत ये है, आप तो थाने में जाने देते हो और अपराधी थानों में बैठ के दारू पीता रात को, बदमाश थानेदार के साथ बाम में बाम मिला के चलते हैं, गलबैया करते हैं। तो भाइयों हमें चेतना होगा, जागृत होना होगा और 70 साल की व्यवस्था को हमें ठीक करना होगा। व्यवस्था को ठीक करने के लिए आपको तेजा जी जसना जी आपके बीच नहीं आएंगे, आप में से और लोगों को आगे लाना होगा। बाड़मेर से भी मजबूत नेताओं को चुनना होगा, शेखावाटी से भी मजबूत लोगों को चुनना होगा और पूरे राजस्थान से जब मजबूत लोग चुन के आ जाएंगे तो विधानसभा के अंदर आप क्या कोर अधिकार की बात करेंगे। आज तो हालत ये है कि बीजेपी के लोग तो बीजेपी की बात करेंगे, वसुंधरा ने कह दिया सिट डाउन तो सारे एक सारे एक साथ ही पड़ जाएंगे, और गहलोत कह दे सिट डाउन तो चोइस के चोइस पड़ जाएंगे नीचे। तो फिर आपकी बात कौन करेगा? आपकी बात हनुमान बेनीवाल कर रहा है। और मैं चाहता हूँ सत्ता पे हमारा कब्जा हो, और सत्ता पे कब्जा बातों से नहीं होता, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिस तरह देश को आजाद कराने के लिए हमारे रणबांकुरों ने फांसी के फंदे को चूम लिया, सीने पे गोलियां खाई और शहादत दी, जब भारत माता आजाद हुई और गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली थी। हमें और रणबांकुरों की आवश्यकता है, राजनीति के अंदर मजबूत लड़ाकों की आवश्यकता है जो आपकी सेवा कर सके, आपके जयकारे लगा सके विधानसभा के अंदर। पार्टियों की जय बोलना बंद करे, नई बात करे, क्रांति की बात करे। और ऐसी व्यवस्था जब ये जन आंदोलन होगा तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा आंदोलन राजस्थान में किसी ने नहीं किया आज तक किसी नेता ने। पार्टियां भी नहीं कर पाती, कोई पार्टी ये लिख दे अपने घोषणा पत्र में कि हम टोल फ्री करेंगे तो बता देना मुझे, कांग्रेस वाले भी आ जाएंगे अभी घूम रहे हैं वोट मांगने, वोट आ गए कोई नहीं करेगा क्योंकि इनको तो इनकम होती है टोल से, और इनकम नहीं होती तो एमएलए टोल में पार्टनरशिप रख लेता है, मंत्री टोल माफे उसे मिल लेता है, बदली इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा। तो आपके खेत के अंदर बजरी निकलती है, वसुंधरा जी उस बजरी को भी खा गई पूरी को, सारी सारी बजरी माफिया को पूरा संरक्षण दे दिया, खान घोटाला हो गया, सारी खान खा गए बड़े बड़े मुख्यमंत्री और उसके आदमी। अब इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा, कौन इस राजस्थान की सुधरेगा? ये राजस्थान जो एक शांत प्रिय इलाका होता था, अपराध में नंबर